तो ये देखो गाइस इसका स्टोंड बच्चे का साइकिल से कैसे कर रहा है। ये रहा मेरे पास दो बोतल, इस बोतल पे बाइक का पेट्रोल निकालेंगे और इस बोतल पे पेट्रोल डालेंगे। और ये है 250 ml बोतल गाइस, देख लो कितना चुच्चु सा है। तो इससे माइलेज टेस्ट करेंगे अब। सो गाइस पता भी नहीं चला यार पेट्रोल ला गया, मैं पी गया यार बहुत सारा पेट्रोल। और ये ट्रैक नंबर कंप्लीट अपना बाइक पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग होने वाला है कि आज अपन सुंदरी पे माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि अपन का सुंदरी कितना माइलेज देता है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद। सुंदरी मीन मेरा के टी एम RC 390 BS6। सो पता चल जाएगा आज का माइलेज कितना आता है। और ये गाइस आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट फुल सिस्टम एग्रा पॉपिक देख लो, और इसका कैटेलिटिक कन्वर्टर भी नहीं है। तो देखते हैं कितना माइलेज ड्रॉप हुआ है। लोग बोलते हैं माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाने के बाद। तो पता चल जाएगा आज का वीडियो में कितना माइलेज ड्रॉप हुआ है, अपन का सुंदरी कितना देता है, कितना ड्रॉप की है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ तो ना ही नहीं आता, इंक्रीज़ का यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ हुआ थोड़ा बहुत। और ये तो 390 है, इसका तो माइलेज भी ज़्यादा मिलता नहीं, आपको पता ही है। माइलेज टेस्ट गाइस हम लोग डिफरेंस टाइप के बोतल पे ही बनाएंगे। जैसे कि मान लो 1 लीटर बोतल पे हम लोग नहीं बनाएंगे, या आधा लीटर बोतल पे हम लोग माइलेज टेस्ट नहीं करेंगे। करेंगे तो गाइस 250 ml बोतल के ऊपर, तो 250 ml बोतल के ऊपर माइलेज टेस्ट करेंगे। देखते हैं ये 250 ml में कितना किलोमीटर चलता है KTM RC 390 BS6। पता चल जाएगा 250 ml में, देखते हैं कितना माइलेज देता है अपना बाइक विथ एकरा पॉपिक फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो गाइस वो एग्जॉस्ट बहुत लाउड है, शायद मुझे भी लगता है कि माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ होगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग को गाड़ी पे थोड़ा सा फ्यूल है, ज़्यादा भी फ्यूल नहीं है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो थोड़ा सा फ्यूल है, वार्निंग लाइट भी ऑन है। सो थोड़ा सा फ्यूल को जितना भी है फ्यूल टैंक में उसको निकाल लेंगे बोतल पे। तो उसको निकालने के लिए गाइस मेरे को एक पाइप लगेगा, लेबुल पाइप बोल रहे थे अगर गाँव पर। मैं जुगाड़ किया तो नहीं मिला मेरे को, तो मैं वहाँ पे शॉप है छोटा सा, वहाँ पे शायद मिल जाएगा, वहाँ पे मैं ख़रीदने के लिए जाऊँगा। के आते हैं कितना प्राइस लेता है मुझे भी मालूम नहीं। तो चलो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। और गर्मी यार, और देख लो 9:06 हो चुका है और गर्मी बहुत तेज़ लग रहा है, धूप का महीना है ना। और इसमें ज़्यादा भी फुल फ्यूल नहीं है, थोड़ा सा फ्यूल है तो निकाल लेंगे। तो चलो गाइस जाते हैं। लो यार, ओ भाई बंद हो गया। भैया पाइप है क्या पेट्रोल निकालने के लिए? नहीं है ना, बंद है ना। कब खुलेगा ये? यहाँ पे मिलेगा दुकान? सो गाइस मैं पाइप लेके आ चुका हूँ, इससे मैं पेट्रोल निकालूंगा अपने सुंदरी का। और ये पाइप मेरे को 5 रुपीस का लिया पर फुट का, 5 रुपीस। तो कोई नहीं गाइस, जुगाड़ हो गया, मिल गया मेरे को। और मेरे पास दो बोतल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा मेरे पास दो बोतल, इस बोतल पे बाइक का पेट्रोल निकालेंगे और इस बोतल पे पेट्रोल डालेंगे। और ये है 250 ml बोतल गाइस, देख लो कितना चुच्चु सा है। तो इससे माइलेज टेस्ट करेंगे अपना सुंदरी पे कितना माइलेज निकालती है। तो चलो गाइस फटाफट से तेल निकालते हैं अपना बाइक का पेट्रोल। और मैं ये पहली बार कर रहा हूँ यार, इससे पहले मैं पेट्रोल नहीं निकाला हूँ किसी भी बाइक का। तो फटाफट से खुलते हैं बाइक के टैंक। राइट, तो गाइस पता भी नहीं चला यार पेट्रोल आ गया, मैं पी गया यार बहुत सारा पेट्रोल। देख लो मेरे पैंट पे भी गिर गया है यार। ओ भाई पेट्रोल का स्वाद अच्छा नहीं यार, बहुत बुरा है। अरे जल रहा है पेट्रोल यार। ओ भाई बहुत बेकार स्वाद है यार। तो
गाइस एक लाइक तो बनता है, इतना मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, मैं आपके चक्कर में पेट्रोल पी गया, मतलब माइलेज टेस्ट करने के चक्कर में। अरे 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 भाई साहब पेट्रोल गिर गया यार मेरा भाई, इतना पेट्रोल निकल पाया, और भी बहुत सारा पेट्रोल है, और मेरा मुंह पे देख सकते हो यार पेट्रोल पेट्रोल हो चुका है, और मैं नहीं कर पाऊंगा इतना पेट्रोल निकाल पाया हूँ। बहुत घटिया स्वाद है यार, बहुत सारा पेट्रोल पी गया यार मैं, पेट के अंदर है। ऐसे मुंह पे यार बहुत सारा पेट्रोल हो गया यार, उनका स्वाद भी चेंज हो चुका है, बिगड़ चुका है मेरा स्वाद, थोड़ा खरा खरा लग रहा है और बहुत नमकीन जैसा लग रहा है स्वाद। इतना पेट्रोल था, और भी पेट्रोल है, इसको भगा के हम लोग ख़त्म कर लेंगे, आरसी 300 ज़्यादा स्पीड भगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये देख लो 250 ml तेल, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ये, क्योंकि ये फुल हो गया था और मेरा गिर गया ऑलमोस्ट। तो ये देखो गाइस इसका स्टोंड, बच्चे का साइकिल से कैसे कर रहा है। लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं, मैं तो तेल निकाल चुका हूँ, फिर भी ऑलरेडी तेल है, तो इसको थोड़ा सा भगाएंगे, RC 390 है यार, जल्दी ही तेल खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड भगाएंगे तो इसको, तो फटाफट से भगाते हैं फिर इसको मालिश करते हैं। बाइक नहीं जाएगा यार, ये देख लो, और एक बार मारते हैं सेल्फ, और गाइस ये नहीं जाएगा, और मैं इसे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दूंगा यार, क्योंकि ये BS6 बाइक है तो दिक्कत हो जाएगा, इसका फ्यूल इंजेक्टर जल जाएगा तो मेरे को फटका लग जाएगा, और एक बार इसको प्रेशर देंगे। ये देखो स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, इसको रहने देते हैं यार, यहाँ पे फ्यूल अप कर लेते हैं 250 ml बोतल का, नहीं तो और ज़्यादा प्रेशर दूंगा तो उसका फ्यूल इंजेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो दिक्कत होगा बाद में मेरे को। अभी बिल्कुल ट्राई मत करना है, ऐसे बहुत रिस्क है यार आपका, अगर फ्यूल इंजेक्टर जल गया तो दिक्कत आ जाएगा बाद में, बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, 6 से 7 हज़ार तक उसका कॉस्ट आ जाता है। भाई साहब मेरा मुँह का स्वाद बिगड़ चुका है यार, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँगा। सो ये इस 250 ml बोतल देख लो पूरा फुल है अभी, और इसका हम लोग डालेंगे अपने गाड़ी पे, सॉरी चाबी को खोलते हैं, और ये गाइस इसको डालने के लिए, यार मुंह का स्वाद पूरा बिगड़ चुका है यार, बहुत ख़राब लग रहा है मेरे को, तो कैप को खोलते हैं, ये बहुत काम देगा मेरे को। इसको खोलने के बाद जाएगा तो यार जाएगा। तो ये रात देख लो 250 ml पूरा 250 ml है, तो इसको हम लोग डालेंगे अपनी बाइक पे अभी, देख दो इसकी टैंक पे यार 250 ml कहाँ गुम हो गया है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, पेट्रोल डाला कि नहीं डाला मुझे भी नहीं पता लग रहा है। मैं छोटा सा डब्बा, ये अभी हम लोग का किस काम का नहीं, इसको डालने के लिए ये वाला काम देगा। तो ये हो चुका है, तो अभी ऑन करते हैं, बाइक स्टार्ट होता है कि नहीं मुझे भी मालूम नहीं है, और मैं दिखा देता हूँ गाइस मेरे पास देख लो फ्यूल है, तो इसे मैं घर तक जाऊँगा और इसको रखते हैं, नहीं तो मैं इससे फ्यूल डालूँगा यार गिर जाएगा इधर उधर। और मुँह का स्वाद पूरा बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया है यार, बहुत गंदा टेस्ट आ रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। अभी न्यूट्रल करते हैं, ये गाइस स्टार्ट हो जाएगा, आई होप अपना सुंदरी। अरे पेट्रोल डालने के बाद तुरंत स्टार्ट, भगाते हैं गाड़ी को, और गाइस मैं ये गाड़ी को ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, हार्ड एंड फास्ट नहीं चलाऊंगा, जैसे 60-70 में चलाते हैं वैसे चलाऊंगा मैं इसको, 390 इसको अगर भगाऊंगा तो तुरंत पी जाएगा पेट्रोल, सारा ख़त्म हो जाएगा तुरंत ही। तो अरे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यार इसका कितना चला हुआ है। सो गाइस ट्रिप वन चल रखा है 5053.2 किलोमीटर, तो देखते हैं कितना माइलेज देता है ये बाइक। तो गाइस 2 किलोमीटर चल चुका है ये अपना बाइक, देखते हैं और कितना किलोमीटर चलता है।
किलोमीटर 65-70 एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड चला रहा हूँ। और एक दो बार ट्राई करते हैं। 500 और एक दो बार ट्राई करते हैं गाइस। नहीं हो रहा यार, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे हम लोग, वापस से डाल लेंगे फ्यूल, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बेसिक्स गाड़ी है तो देखते हैं कितना चला है अपना बाइक। सो 3.5059.6 किलोमीटर चला है, तो हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। हम लोग का गाड़ी चला था, पहले गाड़ी जब चला था 5053.2 किलोमीटर चला था, अभी हुआ है 5059.6 किलोमीटर, तो 250 माइल में कितना गया अभी पता चल जाएगा। 5059.6 किलोमीटर, तो गाड़ी ने माइलेज दिया 250 माइल पे 6.4 KMPL का, तो 6.5 किलोमीटर 250 माइल पे। सो 6.4 × 4, सो गाड़ी ने माइलेज दिया गाइस 25 का 25.6, और मैं इसको आराम से चलाया हूँ, अच्छा माइलेज निकला है 25 का। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ये देख लो मेरा फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, कैटलिटिक कन्वर्टर नहीं है। सो गाड़ी का माइलेज निकला है 25.6 किलोमीटर, सो एक अच्छा माइलेज है RC 390 BS6 के लिए गाइस। इससे ज़्यादा मतलब इससे बेटर माइलेज नहीं दे पाएगा 390, इससे तो डायरेक्ट गिरेगा ही, लेकिन ये बहुत अच्छा माइलेज निकला है, मैं तो खुश हूँ यार इससे। मैं तो सोच रहा था और भी ये कम देगा माइलेज, और मैं इसको और भी कम देगा, मैं इसको अच्छे से चलाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकाल पाया हूँ। इससे ज़्यादा माइलेज कोई भी गाइस निकाल नहीं पाएगा, वो भी अब RC 390 पे, इससे कम ही निकलेगा। अगर इसको हार्ड एंड फास्ट भगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगा माइलेज। सो ये रहा गाइस आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताना। और गाइस मैं पेट्रोल भी पी गया हूँ यार, बहुत मेहनत किया हूँ, एक लाइक तो बनता है। और जल्दी से जल्दी गाइस मेरा 3K कंप्लीट करवा दो यार, और इंस्टा पे मेरे को फॉलो नहीं किए हो तो फॉलो करना, कैलाश RC 390 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो इस ब्लॉग को ही पेंट करते हैं, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे यार।